मारवाड़ के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब मेवाड़ में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसी क्रम में पार्टी के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज चित्तौड़गढ़ पहुँचे, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। यहाँ उन्होंने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं भी सुनी। आज एग्जाम पिछले, मैं तो कहता हूँ वसुंधरा के समय से पीएमटी रद्द हुई, बड़ा घोटाला हुआ पीएमटी के अंदर, उसके बाद मंत्री बदल गए, आरपीएससी के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ, चेयरमैन पकड़े गए, जेल के अंदर है वसुंधरा के टाइम। अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो हालात थे वही हालात राजस्थान के अंदर बढ़ रहे हैं, और इन हालातों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अशोक गहलोत और वसुंधरा जिम्मेदार है। जिन लोगों ने गहलोत सरकार बचाने के लिए लगे हुए, वसुंधरा गहलोत की मदद कर रही है, पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए, और बीजेपी के दूसरे लोग भी सीएम बनना चाहते हैं, काम कोई करना नहीं चाहता। सड़क पर 2.5 साल 3 साल के अंदर बीजेपी ने कोई हल्ला बोल नहीं किया। तो कोई राजस्थान में लड़ता हुआ नजर आएगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान और किसान लड़ता हुआ नजर आएगा। बड़ा राजस्थान है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए खड़ा करने में समय, कई लोग मुझे पूछते हैं कि कब बनेगा तीसरा विकल्प, मेरे हाथ में तो मैं तो बना ही रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, रुका नहीं, झुका नहीं। किस किस दल से आप बातचीत कर रहे हैं सर? इस बारे में, तीसरे विकल्प के बारे में आप कौन कौन से दल से आप? मैं तो मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद ही बात कर रही है कि तीसरा विकल्प आरएसपी बने राजस्थान, क्योंकि मैंने कई नेताओं के साथ संघर्ष करके देखा था पिछली बार, मुझे एन वक्त पे छोड़ के और पार्टियां ज्वाइन कर ली, इसलिए मैं किसी दल के साथ मिलकर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, चुनाव के समय अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए, अगर कोई दल हमसे बात करेगा तो निश्चित रूप से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले। हमने बीएसपी को भी देखा, बीएसपी से पिछली बार बातचीत का प्रयास किया, लेकिन बीएसपी के टिकट खुले हम बिके के एमएलए एक साथ ही 6 के 6 8 में गहलोत ने खरीद लिया, और अब की बार भी 6 विधायकों को खरीद के और कांग्रेस ज्वाइन करा ली। तो दूसरे दलों पर हमारा विश्वास ही नहीं रहा, और ये जितने भी दूसरे दल राजस्थान के अंदर आए 52 के बाद, वो यहाँ का एक भी दल नहीं था, यूपी का था, कोई बिहार का था, कोई हरियाणा का था, और कोई चौथे स्टेट का था। राजस्थान का पहला दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो यहाँ के किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश ऊर्जा और उत्साह और उम्मीद से बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो राजस्थान को नई दिशा देगी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 23 के अंदर पसीने छुड़ा देगी आरएलपी पार्टी।